Now, if only we could have a million Dr. Pathaks in this country. Next, Continuum, where we meet third-generation tabla maestro, Shafaq Ahmed. He points out tabla players are not mere accompanists. They're accomplished artists in their own right. He's an accomplished musician who's played with every top artist in the country. Yet this man bemoans the fact that tabla players are not recognized as artists in their own right, even by many fellow artists. Meet Shafaq Ahmed, tabla maestro extraordinaire. तबले की तालीम मैंने अपने पिता और गुरु उस्ताद छम्मा खान साहब से ली, जो दिल्ली घराने के बहुत अपने टाइम के माने हुए तबला वादक थे, और करीब 5 साल की एज से मैं बजा रहा हूँ। इसीलिए मुझे ये सब आसानी रही कि दर दर भटक कर ये चीज़ मुझे हासिल नहीं करनी पड़ी, घर बैठे ही मुझे सब कुछ मिल गया। दुनिया का कोई भी संगीत हो, वो बिना रिदम के अधूरा है। अभी तक शायद लोग इतना समझ नहीं पाए कि तबला कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तबले की एक खास बात यह है कि वो अपने आप में एक कंप्लीट एक साज है। हम ये नहीं कह सकते कि तबले पर सोलो नहीं बज सकता या तबला एक पूरी इवनिंग अपने आप नहीं बजा सकते। ये सब कुछ पॉसिबल है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि सोलो वादन होते थे और सब लोग रियाज करके ये दिखाते थे कि हमारे पास क्या सबक है, जो चीज आजकल थोड़ी कम हो गई। जो दो किस्म के तबला प्लेयर हैं, मैं दोनों मिसाल देता हूं। एक तो ऐसे होते हैं जो किसी एक ग्रुप के अंदर बंधे हुए हों और वो फिक्स्ड आइटम्स बजाते हैं, जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में हों या किसी डांस के साथ। लेकिन खासकर जो जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, जो कुछ पूरे हिंदुस्तान में 4 या 5 तबला प्लेयर्स होंगे जो उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, उनका रोल इतना जरूरी है कि किसी भी आर्टिस्ट के साथ वो बैठ जाएं तो उनके कार्यक्रम में उस तबले की वजह से 4 चांद लग जाते हैं, और उस आर्टिस्ट का भी मूड बन जाता है कि ऐसा तबला प्लेयर अगर बैठा है जो उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसको हम कहते हैं जिद्दत, क्योंकि हम कुछ प्लान करके नहीं बजाते, तो उस बात से उसको भी नई नई बातें सूझती हैं कि इन्होंने ऐसा करा तो मैं ऐसा करूं, फिर उन्होंने कुछ करा तो हम कुछ उसका जवाब ऐसा दें। जब भी तबला बजता है इतनी तालियां मिलती हैं कि हम लोगों का दिल खुश हो जाता है। लेकिन हमें इस चीज का अभी दुख है कि अभी तक काफी लोग ऐसे हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड बनेगा तो उसमें तबला प्लेयर की फोटो पीछे दे देंगे या उसका नाम कवर पर नहीं देंगे। ये थोड़ी ज्यादती होती है, तबला प्लेयर को उतनी अहमियत देनी चाहिए।